हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के आगामी चुनाव की घोषणा के बाद अब संभवतः 2 महीने का वक्त बचा है। राजनीतिक दलों ने मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के वॉर रूम में लोगों के साथ चुनावी तैयारियों और प्रबंधन पर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, अभी एम्स के कार्डियो टावर में ले जाए गए हैं। वहीं डॉक्टर नितेश नायक की टीम की देखरेख में भर्ती कराया गया है। कुछ समय पहले भी उनकी तबीयत बिगड़ने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर बेवजह बयान देने पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बढ़ रहे दबाव के बीच भारत ने चीन को याद दिलाया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और चीन को LAC विवाद सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी और वीर सावरकर से जुड़ी टिप्पणी को लेकर रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राजनाथ सिंह इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के करीबी के यहां आयकर छापों में करीब 750 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगा है। इस पर HD कुमार स्वामी का कहना है कि ये छापे येदियुरप्पा को शिकत देने और उनमें वश में करने के लिए डाले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार धार्मिक आयोजन और त्योहारों के लिए पहले से पूरे देश के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP मौजूद है और दिल्ली सरकार को उसी के अनुरूप फैसला लेना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इस साल सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका दिल्ली प्रदेश भाजपा विरोध कर रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने बढ़ती पुलिस मुठभेड़ पर सचेत करते हुए कहा है कि मुठभेड़ के जरिए त्वरित न्याय व्यवस्थागत नाकामी की ओर संकेत करता है। इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार करने का समय आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि आगामी जनवरी से भारत बड़े पैमाने पर कोरोना के टीके का निर्यात शुरू कर देगा। मंत्रालय का आकलन है कि 31 दिसंबर तक देश में टीकाकरण का अभियान काफी हद तक पूरा हो जाएगा। NCR के दायरे में तर्क संगत बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत NCR का दायरा दिल्ली से 100 किलोमीटर की परिधि में सीमित किया जाएगा। इसके पुराने हिस्से को NCR के दायरे से बाहर किया जा सकता है। चीन को झटका देते हुए अमेरिका के हॉवर्ड विश्वविद्यालय ने चीनी भाषा के कार्यक्रम को बीजिंग से हटाकर ताइपे स्थानांतरित कर दिया है। ताइपे ताइवान की राजधानी है, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र कहता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने चीन के खबर व्यवहार को कारण बताते हुए ये कदम उठाया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।